अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का? सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सब के घरों में खैर व बरकत अता फरमा, सेहत दे। अल्लाह पाक हमें इबादत करने वालों में बना दे पाक परवरदिगार आलम। अल्लाह ताला रहमत बख्श। अल्लाह पाक। अच्छा, मैं गुलनाज खान बोल रही हूँ, मेरे साथ रियान खान है। ये मैं तलबीना बना रही हूँ। ये है मेवा लिया कुछ, जिसमें किशमिश, बादाम और छुआरे हैं। और ये है जौ का दलिया है जो मैंने भिगो दिया है। और ये खजूरें हैं जो खजूरें भी भिगो दी। और आपको पता है इसमें चीनी नहीं डलती, ये एक लीटर दूध है। और ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये सेहत के लिए बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन हर बीमारी के लिए। आपको टाइफाइड नहीं ख़त्म हो रहा है तो टाइफाइड के लिए आप लें ये। मैं सुन के तो मैंने कहा मैं आप लोगों को ज़रूर ये वीडियो दूँ, मैं ज़रूर आपको। और अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सब बनाए और सबको शफा अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये मैं दूध डाल रही हूँ चूल्हे पे, मैंने सॉस पैन रख दी है। अब ये दूध ज़रा सा गाढ़ा होगा तो फिर मैं दलिया डालूँगी। और आप लोगों ने ना इसमें चीनी नहीं इस्तेमाल करनी, चीनी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी है। अब ये ज़रा सा दूध उबल ले, उबलता है तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है? दूध गाढ़ा है, तकरीबन थोड़ा सा पक गया है दूध, थोड़ा सा पक्का है, दो तीन उबाल आए। अब मैं इसके अंदर ना दलिया डाल दूँगी, जौ का दलिया। ये मैं दलिया डाल रही हूँ इसमें। अब ये दलिया इसको पका के अच्छी तरह ज़रा गाढ़ा हो जाएगा तो बस फिर मैं इसमें ना खजूरें डाल दूँगी, और मेवा और खजूर। अल्लाह करे आप लोग सब ज़रूर बनाएं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत फ़ायदेमंद की फ़ायदेमंद है और ताकतवर है। बच्चों को भी दे सकते हैं आप लोग, ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अभी बनता है तो फिर मैं आपको मुकम्मल दिखाती हूँ। जो है ना ये पकना शुरू हो गया, ये तकरीबन 5-7 मिनट पकेगा, उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। मैं इसके अंदर बस मेवा डालती हूँ, मेवा डाल के और वो करती हूँ। ये जौ का जो छिलका है ना वो तंग कर रहा है। ये देखें, ये मेवा डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। इसमें तकरीबन 20 तकरीबन बादाम है और 6 छुआरे हैं, 4 छुआरे हैं और बाकी थोड़ी सी किशमिश ली है मैंने। अच्छा, इसमें चीनी नहीं डलती। अब मैं इसमें शहद डलता है जो इस वक्त आज मेरे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी इतनी पड़ी है तो इस वजह से शहद आया ही नहीं है, लाई नहीं हूँ मैं। अब इंशाल्लाह ताला मैं लाऊँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। इसमें वैसे मैं खजूरें ही डालूँगी सिर्फ, मैंने तो शहद नहीं डाला है, लेकिन आप लोग शहद डाल के इस्तेमाल कीजिए, शहद डाल के खाइए आप लोग। चलो, अच्छा ये देखिए, ये मैं इसमें ना 12 खजूरें हैं वो डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। ये देखिए, मैंने उनको ना खजूरों को ना भिगो के ना मसल लिया था। बस ये देखें आप, होगी तकरीबन ये तैयार हो गया। ये बस अब ये थोड़ी सी देर मैं दम पे दूंगी, लेकिन ये नीचे लगने लगता है, इसको फौरन देखते रहना पड़ेगा। यह बस तकरीबन तैयार हो गया है, अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अच्छा ये देखें, ये तैयार हो गया ही, और इसके बाद अब ये देखें हम नाश्ता करने लगे हैं। अब आप देखें ज़रा ये। Please like, subscribe and share this video and click the bell icon if you want to get notified about our latest videos. Goodbye and Allah Hafiz.